उदयपुर जिले के कानोड नगर पालिका में खस्ताहाल सड़कें एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं नगर पालिका में बजट नहीं होने से कानोड नगर का विकास अवरुद्ध सा हो गया है, जिससे नगरवासी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सरकार व राजनेताओं की नींद खुल सके तथा नगर विकास को गति मिल सके। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा कानोड नगर की जनता की समस्याओं को जानने के लिए कानोड नहीं पहुंचा, जिससे नगरवासियों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हुआ। रविवार को भी नगरवासियों दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नगरपालिका कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन 25 सितंबर तक चलेगा, जिसके बाद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर चक्का जाम के साथ ही उग्र विरोध प्रदर्शन होगा, जिसका ज्ञापन भी नगरवासियों ने प्रशासन के अधिकारियों को दिया है। नगर की खस्ताहाल सड़कों से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, जिससे कई राहगीर चोटिल हो रहे हैं। शनिवार को भी एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया और चोट लग गई। कई गलियां तो ऐसी है जिसमें बाइक कार तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। कई खड्डों में तो जन सहयोग के दुकानदारों ने जन सहयोग की मिट्टी भरवाई है और वहीं सड़कों से उठती धूल के गुब्बारे से वाहन चालकों के साथ ही दुकानदार और मकान मालिक काफी परेशान है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इसकी ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रहा। जैसा कि हम विगत 20 तारीख से प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया है कि कानोड के नगर विकास के लिए जल्द आए एवं रोड विकास के लिए PWD को हमने बताया है कि हमारे कानोड में किस तरह का यहाँ पर वातावरण दूषित हो रहा है, आने जाने वाले लोग कितने वातावरण से दूषित है प्रदूषित है एवं आए दिन दुर्घटना होती है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हमने प्रशासन से करबद्ध निवेदन किया है कि हमारी जो भी मांगे है आप कृपया उन्हें स्वीकार करें, अन्यथा 24 तारीख तक हम आपको पुनः वापस विदित करते हैं कि 24 तारीख तक हम आपको पुनः यह कहेंगे और 25 तारीख से हम उग्र आंदोलन के रूप में कानोड की सभी जनता के मध्य चक्का जाम करेंगे। आने जाने वाले जितने भी राहगीर है वो परेशान होंगे, इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। भारत माता की।